दोस्तों यहाँ पर Samsung Galaxy M02S के अंदर टॉप 12 हिडन फीचर्स के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कितने बढ़िया बढ़िया फीचर्स इतने कम बजट वाले फोन के अंदर Samsung ने दिया है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। एक लाइक में हमें इस फोन के ऊपर काफी मोटिवेट मिलता है, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक साउंड वाइब्रेशन फीचर है ऑप्शन, अगर इसके अंदर आप जाते हो थोड़ा सा आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे सेपरेट ऐप साउंड ऑप्शन आता है, तो इसके अंदर आप जाओगे तो यहाँ पे दो तीन तरीके के ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप घर में बूफर में सुन रहे हो तो बूफर फीचर्स ऑन है, तो यहाँ पे टर्न ऑन नाउ कर सकते हो, जिसके थ्रू आप यहाँ पे अलग अलग एप्लीकेशन के थ्रू अलग अलग जगह पे यूज कर सकते हो। अगर घर में होम थिएटर बज रहा है तो उसके बाद आप होम थिएटर ऑटोमेटिक उसके लिए म्यूजिक जा रहा है, लेकिन आपको YouTube चलाना है या Chrome चलाना है या जो भी गाने वाने सुन रहा है तो यहाँ पर आप बड़े आसानी से सुन सकते हो। ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है जो कि इतने कम बजट फ़ोन के अंदर ये फीचर्स देना, खास करके बहुत सारे पार्टियाँ वगैरह होते रहते हैं उस बीच में और भी किसी को कुछ यूटिलाइज करना होता है, अगर इस फोन के अंदर ब्लूटूथ से कनेक्टेड कोई म्यूजिक है आप वहां पर सुन सकते हो, साथ ही साथ इधर भी आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हो। तो इसके अंदर हमें यहाँ पे सेपरेट ऐप साउंड ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट फीचर जो है एक आता है डू नॉट डिस्टर्ब, तो ये जो है आपको नोटिफिकेशन पैनल में ही आपको देखने को मिल जाता है। सिंपल आपको यहाँ पे टैप करना है और आपके फोन के अंदर जितने टाइप के म्यूजिक है, जो कि इनकमिंग SMS है, इनकमिंग चैट वगैरह है, सब कुछ वो ऑफ हो जाएगा, जिसके कारण आप शांति से बैठ के काम कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो, जो भी कुछ करना है कर सकते हो। इसी तरह आपके फोन पेपा टूटा कुछ नहीं होगा। बात करते हैं Samsung फोन के अंदर जो इतने छोटे से बजट है इसके अंदर हमें देखने को मिल सकता है क्या स्प्लिट स्क्रीन। तो यहाँ पर अगर मैं रिसेंट मेनू के अंदर जाता हूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर सिंगल टैप करते हैं और ऑप्शन आ जाते हैं ओपन इन पॉपअप व्यू और ओपन इन स्प्लिट स्क्रीन व्यू। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ दूसरा आगे ऑप्शन यहाँ पर मैं टैप किया, टैप करने के बाद देखो देखिए दोनों फाइल यहाँ पर बड़े आसानी से यूज हो जाता है। खास करके Samsung इस बारे में काफ़ी ध्यान दिया है, तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट है, ये आप चेकआउट कर सकते हो जैसे स्प्लिट स्क्रीन कैसे यूज होता है। और बात करते हैं कि मुझे सबसे अच्छा लगता है इसके डार्क मोड जो कि हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, जो कि डार्क थीम जिसका हम कहते हैं कि डार्क थीम, तो जो Samsung का जो है डार्क मोड में काफ़ी बढ़िया है, जो भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। और मैं इधर अगर चेक करूँ तो अच्छा भर के आता है। अगर ये फ़ोन AMOLED स्क्रीन होता और भी काफ़ी बेहतर होता, बट यहाँ पर ऐसा सीन कुछ है ही नहीं, लेकिन फिर भी हमें डार्क मोड में काफ़ी बढ़िया देखने को मिल जाता है। सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो डिस्प्ले के अंदर आपको एक नेविगेशन फीचर्स देखने को मिल जाता है, नेविगेशन बार। तो यहाँ पर आपको देखिए इधर का जाने के बाद यहाँ पर तीन चार टाइप का फीचर्स आता है। एक तो बटन आता है, बटन में काफ़ी टाइम से यूज नहीं कर रहा हूँ, जब से मैं एंड्रॉइड 10 या 9 शायद 9 से ही 9 खत्म हो गया था, 9 के बाद हमें 10 देखना बंद हो गया था। यहाँ पे जेस्चर स्वाइप फीचर्स ऑप्शन आ जाता है जो कि आपको लेफ्ट राइट ऊपर ही सेटअप करके, अगर आपको मोर ऑप्शन में जाएंगे यहाँ पर सेंसिटिविटी ऑप्शन आ जाएगा, जिसके कारण आपको काफ़ी जल्दी ही फीडअप हो जाएगा, इससे काफ़ी बेटर रहता है। देखिए यहाँ पे स्लाइड स्लो करते ही आपके सामने ये देखने को मिल जाता है। जेस्चर हिंट्स भी आप यहाँ पे ले सकते हो, अगर हिंट्स नहीं चाहिए वो भी आप यहाँ पे हट जाएगा, देखिए यहाँ पे हट जाएगा। तो ये काफ़ी बढ़िया है, इस टाइप का आप यूज़ कर सकते हो जेस्चर, फुल स्क्रीन जेस्चर आप यहाँ से यूज कर सकते हो। लेफ्ट राइट फीचर्स देखिए यहाँ पे एक एरो मार्क टाइप का आ रहा है, लेफ्ट जाना है, बैक जाना है, ये सब फीचर्स आपको देखने को मिलता है। दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन आता रहता है, जैसे डिस्प्ले के अंदर हम जाते हैं लाइट डार्क ऑप्शन आता है, उसके नीचे थोड़ा सा और नीचे जाएंगे यहाँ पर हमें देखने को मिलता है फुल स्क्रीन ऐप ऑप्शन। इसको टैप करिए तो आपके फ़ोन के अंदर जितने टाइप के एप्लीकेशन यूज होते हैं तो ये सब जो है आप यहाँ से फुल स्क्रीन सेटअप भी कर सकते हो, जो कि फ़ोन जिस स्टेज में हो, जो भी कोई गेम वगैरह या जो भी डिटेल आप ओपन होता है तो डायरेक्ट वो फुल स्क्रीन में ही जाए, आपको ऑप्शन बार बार पूछे ना, आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हो पूरे स्क्रीन पर। ये काफ़ी ठीक है इस टाइप का सेटअप करके, अगर यहाँ पे नहीं चाहिए एडवांस सेटिंग में जाइए, यहाँ पर हाइड कैमरा कटआउट ये फीचर्स भी हटा सकते हो। जैसे आप ऊपर देखिए ये जो कैमरा कटआउट है ये भी आप हाइड कर सकते हो, जैसे आप करोगे
कोई भी एप्लीकेशन आप यूज करोगे तो ये कट आउट खत्म हो जाएगा। आप देखिए यहाँ पर कोई भी डिटेल्स हमें देखने को, फ्लैट स्क्रीन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ये काफी बढ़िया है। यानी कि आपको जैसे वो वाटर डब नॉच यहाँ पे देखने को नहीं मिला है, मेरे हिसाब से ये एकदम से बढ़िया है। अगर इस टाइप का यूज करना चाहते हो वो बढ़िया है आप लोगों के लिए, आप ये यूज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर एक पॉपअप विंडो ऑप्शन आता है वो जो कि आप यूज कर सकते हो बातें करते करते या कुछ वर्क कर रहे हो उस बीच में आप गए सेंटर में, यानी कि यहाँ पे टैप करिए और यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन इन पॉपअप व्यू, तो इसके थ्रू आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है मेरा जो डिटेल्स है, आप यहाँ पर ऑप्शन आ गया है। और ये जो पॉपअप व्यू इसको छोटा भी कर सकते हो जिसके कारण आप कहीं भी सेटअप रख सकते हो और कुछ वर्क कर रहे हो वो अपनी जगह स्टेबल है तो यहाँ पर भी हम यहाँ से भी कर सकते हैं। ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है जो कि सैमसंग इतने कम बजट वाला फ़ोन के अंदर ये सारे फीचर्स देना एक अच्छी बात है। ऑप्शन है स्मार्ट पॉपअप व्यू, तो ये फीचर्स को इनेबल करने के लिए सिंपल सेटिंग्स पर जाइए और पॉप ऑफ, यहाँ पे स्मार्ट पॉप ऑफ व्यू ऑप्शन आ गया है। ये जो है एडवांस फीचर्स के अंदर आता है, तो यहाँ पर स्मार्ट पॉप ऑफ व्यू के अंदर गए जो जो एप्लीकेशन आपको चाहिए तो ये यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। जैसे भी कोई मैसेज आएगा यहाँ पर, ऐसी कोई बात नहीं है हर कोई एप्लीकेशन को ये इफेक्ट करता है। आपके पास व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप भी यूज, ये काफ़ी बढ़िया फीचर्स है जिसे हम कहते हैं चैट बबल कहते हैं, वो फीचर्स भी आप यहाँ पर इनेबल कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से ये पॉपअप सेटअप भी काफ़ी बढ़िया है, यूज कर सकते हो। कभी कोई मैसेज कोई डिटेल्स आपके सामने आया तो वो पॉपअप होके आएगा सामने, जैसे आपको ऐसे झूला झूला तरह जैसे आपको सामने देखने को मिलेगा। फोन के अंदर ये फीचर्स भी आपको देखने को मिलता है, जैसे स्क्रीन ऑफ है तो डबल टैप किए स्क्रीन ऑन हो गया, ये काफ़ी बढ़िया है। इसको आप एक्टिव करने के लिए आप अपने सेटिंग्स में जाइए, जैसे मोशन जेस्चर ऑप्शन आता है एडवांस फीचर्स के अंदर, और इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो है मोशन एंड जेस्चर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर डबल टैप टू वेक ऑप्शन आता है, ये इनेबल करोगे तो स्क्रीन पर आप जाके ऑफ है स्क्रीन, यहाँ पर डबल टैप किए तो इनेबल हो गया। तो मे भी काफ़ी बढ़िया फीचर्स है, इस टाइप का सेटअप तो सैमसंग ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर फोकस मोड के, फोकस मोड भी आप यूज कर सकते हो, मेरे हिसाब से आपके लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। जब भी कोई बात बनता है सिंपल उस एप्लीकेशन को आप एक्टिव करिए और यहाँ पर देखिए स्टार्ट कर दीजिए, जो जो वर्क टाइम है यहाँ पर स्टार्ट कर दीजिए। और यहाँ पे इतनी सारी एप्लीकेशन, जो पांच एप्लीकेशन है इसको मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया, सिर्फ वही पांच एप्लीकेशन आपके सामने अवेलेबल रहेगा और कुछ एप्लीकेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं अगर देखिए जो जो एप्लीकेशन यहाँ पे था सिर्फ वही हाईलाइट है, बाकी सब डल हो गया है। यहाँ पे देखिए इसके अंदर सिर्फ दो ही एक दो एप्लीकेशन है, दो तीन ये सारे दिख रहे हैं, बाकी सब छुप गया है, मतलब वो हाइड हो चुका है। ये स्टे फोकस मोड में है, सिर्फ जो फोकस मोड में है वही सिर्फ ओपन होगा, दूसरा चीज कुछ ओपन नहीं होगा। ये काफी बढ़िया है, इस टाइप का आप सेटअप करके किसी को दे सकते हो, वो देखेगा वो एक्टिव नहीं है ना चल रहा है, वो कंफ्यूज हो जाएगा। भाई यहाँ पर बात करते हैं, एक बार मैं इसको हटा ही देता हूँ फोकस मोड को, और यहाँ पर बात करते हैं कि अगर हम यहाँ पर इस फोन के अंदर हमें सेटिंग्स के अंदर जाएंगे, अगर हम होम स्क्रीन सेटिंग्स के अंदर सबसे नीचे जाएंगे देखेंगे हाइड आप ऑप्शन आता है। इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन आपको हाइड करना है आप हाइड कर सकते हो और बहुत बढ़िया है, आप जो भी एप्लीकेशन को आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। ये डिटेल्स आप चेक कर सकते हो, इसके अंदर आपको होम स्क्रीन के अंदर जाएंगे हाइड ऐप दिखेगा, हाइड ऐप के अंदर आपको यहाँ पे जो जो एप्लीकेशन आपको हाइड करना है ये सब हो गया, डन कर दीजिए तो वो एप्लीकेशन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। फिर हटाना है मुझे, यहाँ पर होम स्क्रीन के अंदर गया, हाइड एप्लीकेशन में गया, ये सारे है, इसको टैप करिए और ये एप्लीकेशन यहाँ पर बड़े आसानी से रिमूव हो जाएंगे, डन। तो सारे एप्लीकेशन आपके रिटर्न आ गए हैं। दोस्तों यहाँ पर डॉल्बी एटमॉस भी आता है, इतना कम बजट के अंदर हमें ये भी फीचर्स देखने को मिल जाता है, तो भाई क्या ही बताएं, ये तो गजब ही हो गया। अगर मैं साउंड फीचर्स के अंदर जाते हैं तो इसके अंदर जाने के बाद साउंड ऑप्शन आता है, साउंड एंड क्वालिटी इफेक्ट ऑप्शन आता है, डॉल्बी फीचर्स आता है। ये इनेबल कैसे होगा, इसके लिए हमें यहाँ पर ईयरफोन कनेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पर एक सेकंड में ईयरफोन कनेक्ट किया तो डॉल्बी एटमॉस जो है ऑन हो गया, जिसके कारण आप जब भी कोई म्यूजिक सुनेंगे तो भाई क्या ही बताएंगे, मतलब कहर
कहर वाला मतलब गजब सा साउंड आपके सामने आपको देखने को मिलेगा। तो ये सारे डिटेल्स आपको चेक कर सकते हो। दोस्तों अक्सर स्टॉक एंड्रॉइड के अंदर हमें देखने को मिलता है स्क्रीन पिनिंग ऑप्शन, बट सैमसंग इस फोन के अंदर भी दे रखा है, सैमसंग गैलेक्सी M02S के अंदर। हमें क्या करना है, सिंपल यहाँ पे रिसेंट मेनू को ओपन करना है और मुझे किसी को फोन देना है, इससे पहले स्क्रीन को पिन करना चाहता हूँ, सिर्फ वही वाला स्क्रीन ओपन हो, तो यहाँ पे SMS के अंदर क्लिक किया, तो यहाँ पे देखिए पिन दिस ऐप, तो इसको ओके कर दिया। तो यहाँ पर ऑप्शन भी दे रहा है स्टोर नॉन पिन विंडोज और टू ऑन पिन दिस ऐप स्वाइप अप एंड होल्ड। तो ये फीचर्स यहाँ पे पिनिंग हो गया है और ये किसी भी फेस को नहीं जाएगा, जैसे भी हम कहीं भी जाएंगे सिर्फ SMS पे ही भागदौड़ कर सकते हैं और किसी भी एप्लीकेशन को जा नहीं पाएंगे। जैसे देखिए कहीं भी मैं सेट कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए दिस एप्लीकेशन इज ऑन पिन, ऑन पिन करने के लिए आपको स्वाइप एंड होल्ड करेंगे, तो जैसे और स्क्रीन ऑन पिन हो गया तो ये यहाँ पर वापस चला गया। फिर दोबारा जाके कोई एप्लीकेशन वगैरह हम यहाँ पे पिन कर देते हैं तो यो पिन हो गया और बैक टर्न कहीं भी नहीं जा पाएगा। तो कुल मिला के ये सारे फीचर्स था मेरे जो कि सैमसंग गैलेक्सी M02S के अंदर हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए इस टाइप का सेटअप लेके आता हूँ। सैमसंग गैलेक्सी M02S के ऊपर ये था कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स जो कि हिडन फीचर्स टॉप 12, और कुछ फीचर्स अगर छूट गया है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा। तो मिलेगा नए वीडियो साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड वंदे मातरम।